नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। बलिया जनपद के रेवती पहुंचे कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर बोला हमला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमा शंकर पाठक ने कहा कि यह जनता का आशीर्वाद है कि सदन में जब मोदी जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब मुझे 27 गिलास पानी पीना पड़ा। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ बड़ा है। अनिल मोहन मिश्रा भी सबसे काम आसान हो जाएगा कि सबसे काम आसान हो जाएगा दिनेश तिवारी को अपने गांव का बूथ नाम और नंबर जात तीनों चारों चीज नोट करके दिनेश तिवारी को आप उपलब्ध करा देंगे तो आधा काम हमारा आसान हो जाएगा और संगठन मेरा निरंतर चलेगा। इसके बाद बीच बीच में हमको नया पंचायत की बैठक भी करना है। मैं कसम लिया हूं कि दो दिन रेवती ब्लॉक में, दो दिन बास्ती ब्लॉक में वहीं विश्राम करूंगा और जितने हमारे सीनियर जो भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, जो नौजवान साथी जुड़ना चाहते हैं, मैं उनके दरवाजे पर चल करके जुड़ने का प्रयास करूंगा, उनके बीच में बैठने का प्रयास करूंगा, एक अलग जगाने का मेरी मन में संकल्प है। जगाया जाएगा आपके साथ पर, आपके मन को लेकर के जगह जगह यदि क्या बात करती है और क्या कहती है, ये तो पूरा जग जाई है। आई हो तो 2014 में ही देश को आज़ाद कर दी थी, उसको 1947 याद नहीं था। जब 2014 में ही देश आजाद, जो उनको जानकारी है तो उनके बारे में कुछ कहना हमारे लिए छोटी है। आखिर जो जिस तरह से ये बातें कर रहे कि संसद में राहुल गांधी ड्रग्स लेकर आते हैं, देखिए ड्रग्स लेना यही कहा जो जग जाहिर है कमल लेता है। राहुल जी के बारे में छोटी बात कह करके अपने आप को ऊंचा दिखाना, ये विपक्ष की एक परंपरा बन गई। आज भी उस परिवार का नाम लेकर के और उनके ऊपर उतना पहुंचने का आज कोई स्मृति ईरानी का नाम नहीं लेता। जब चुनाव शुरू हो गया लोकसभा का और जानता वही सिलेंडर वही चीनी वही मांग करने लगी तो समझ में आ गया। और राहुल गांधी जी का परिवार वहाँ से नहीं लड़े कोई, समझ में आ गया कि परिवार कैसा है। यही त्याग तपस्या जो परिवार ने किया है पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। और ओछी राजनीति आज की जमाने में हो रही है, कुछ भी कह देना। अब अनुराग का ही प्रत्याशी मिलेगा, लेकिन मैं भी इस बात को ठान लिया हूं कि 2017 का पुनर्वृत्त बलिया में नहीं दोहराया जाएगा। 2017 में गठबंधन हुआ था, जिस साथी का गठबंधन के हिसाब से मैं चुनाव लड़ा 2024, लेकिन 2027 जो गठबंधन में चुनाव होगा तो मेरा दावा है तो बड़े भाई हो सकते हैं, लेकिन उनसे मैं छोटा हो सकता हूं, लेकिन एकदम सफाया नहीं हो सकता हूं। और 5 दिन तो हमारा है, 5 दिन विधानसभा का इतिहास है, ये मेरा है, फेफना बैरिया हमारा है, बलिया हमारा है, मेरा दावा होगा। और उस दावा में इसलिए आपके बल पर कह रहा हूं, बड़ा संकल्प लिया हूं 100 दिन का। अभी हमारे साथी कह रहे थे मैं 100 दिन का योजना लेकर के चला हूं। तमाम ब्लॉक के बैठक के बाद 17 ब्लॉक में गांव की समस्या भी पुनीत पाठक जी बता रहे थे, हड़िया रोड के लिए ऐसे तमाम मुद्दे भाई विजय तिवारी जी की अगुवाई में यही पत्रक हम लोग अखंड विकास अधिकारी को देंगे। 10 तारीख के बाद इसका भी हम लोग आपस में बैठ करके पूरे ब्लॉक का 17 ब्लॉक में 8 तारीख का मेरा बैठक समाप्त हो जा रहा है। और 8 तारीख के बैठक के समाप्त हम 10 या 11
समीक्षा बैठक करेंगे अपने पूरे कमेटी को लेकर के, और समीक्षा बैठक करने के बाद हम धरना पहले तो पत्रक देंगे, पूरे तहसील पर एसडीएम को देंगे। यदि 6 दिन लगातार चलेगा, 17 दिन साथ जिला में भी चलेगा, 17 ब्लॉक में, उसके बाद तहसील में चलेगा, और बड़ा सा आंदोलन हमने अपने पार्टी में बलिया जनपद की मजबूती से दिखाना है, और गठबंधन के भी लोगों को दिखाना है। मैं एक संकल्प ले लिया जिसकी चर्चा मैं पुनीत पाठक से कर दिया हूँ। अभी अभी बैठे पुनीत पाठक जी कहते थे कि चाचा मैं आपकी बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष को मैं बता दिया। मैं बड़ा सा आंदोलन, कम से कम 5,000 की भीड़ मैं बलिया में 10 नवंबर को मन में निर्धारित किया हूँ। अभी बैठक में निर्णय नहीं लिया हूँ, लेकिन मन में एक संकल्प है कि 10 नवंबर को रामलीला मैदान से या टाउन हॉल से अपने 5,000 कांग्रेस साथियों के साथ मैं डीएम का घेराव करूंगा, और निश्चित इसमें आपका सहयोग की जरूरत है। अकेले चांद भाड़ा नहीं छोड़ सकता है, जैसे हमारे साथी ने कहा। इस ब्लॉक में मैं जानता हूं कि 10 मिया पंचायत है, कितना है वीरेश भैया? 8 मिया पंचायत है, 5 साइट मिया पंचायत हमारे पास।